हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। फूडी मूडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं परी और आज की रेसिपी है मटर पनीर। मटर पनीर को कई तरीके से बना सकते हैं, ये मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूं। और मटर पनीर को किसी भी तरीके से बनाइए, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं, ये थोड़ा नया तरीका से मैं मटर पनीर बना रही हूँ और आप इसे देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहले पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है। मैंने 1 kg पनीर लिया है, इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लिया है। हाफ़ पनीर को फ्राई कर लिया, जो बचे हुए पनीर थे उसे भी मैंने फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे भी अच्छे से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ये भी फ्राई हो गया है, अब इसमें मटर डालूंगी और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी। मटर भी फ्राई हो गया है, इसे भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, तेल को अच्छे से गर्म होने दूंगी और उसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। तो ये मैंने थोड़े से दालचीनी ली है, इसे ऐड करूंगी। 2 लौंग डालूंगी, ये रेड मिर्ची है इसे भी ऐड करूंगी। ये 2 तेज पत्ता है इसे भी डालूंगी और हल्का सा जीरा और लाल मिर्च। अब इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये फ्राई हो गया है, इसमें अब मैं पिसे हुए कुछ मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैंने हाफ अदरक लिया है, 2-4 लहसुन का कलियाँ है और 1 टमाटर है, 1 मीडियम साइज का प्याज है। इन सभी को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। इसे रेड कलर होने तक इसे फ्राई कर लेना है। थोड़े से मसाले मिक्सर जार में रह गए, इसे भी अच्छे से मैं जो मसाले मैं फ्राई कर रही हूँ उन्हीं के साथ इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए मसाले से हल्के हल्के से तेल बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इसे अच्छे से अभी थोड़ी देर और भूनूंगी। जब मसाले से अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लगती है तो लगता है कि हाँ मसाले अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी और ये 1 टेबल स्पून किचन किंग मसाला पाउडर है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी हल्दी है, ये 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अब थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब इन सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए मसाले को इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करूंगी, मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उसे अच्छे से बारीक कट कर लिया है। अब इसे भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए टमाटर कितने अच्छे से इसमें फ्राई हो गया है, मसाले भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें मटर को ऐड कर लेते हैं।
अब इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। अब मटर को थोड़ी देर ढककर पकने देना है। देखिए इसे 1 मिनट के लिए मैंने ढककर पका लिया है। मसाले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मटर भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें पानी ऐड कर लूँगी। दो ग्लास के बराबर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी नॉर्मल ले, हो सके तो आप पानी को हल्का गर्म करके इसमें डालें। इससे सब्ज़ी का स्वाद अच्छा आता है, टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। मैंने 1 केजी पनीर लिया है और 1/2 केजी मटर लिया है। अब इसी में पनीर भी ऐड कर लूँगी। अब इसमें पनीर ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर पकने दूँगी। इसे 5 मिनट तक पकने देना है। देखिए ये पनीर है जो मैंने फ्राई कर रखा था, इसे इसमें हल्के से धीरे धीरे से इसमें डाल दूँगी और इसे पकने देना है। देखिए इस तरीके से डालना है बिल्कुल अलग अलग करते हुए। अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है, आप देख लें। अगर आपको 2 गिलास कम लगता है तो आप 2.5 कर लें। अगर आपको 1.5 में कम होता है तो फिर आप, मैं 1 केजी पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। अगर आप इसे कम बना रहे हैं तो आप 1 गिलास ही पानी डालें। अब इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देना है। सब्जी मेरी रेडी हो गई है, पक गया है। देखिए इसका टेस्ट, कलर कितना अच्छा लग रहा है, देखने से ही बहुत टेस्टी सा लग रहा है, मन कर रहा है अभी इसे खा ले। तो आप भी इसे बनाइए और मेरे साथ शेयर कर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।